से राहुल है, वेलकम बैक टू आर एस बक्सर ब्लॉग। और आज हम लोग अपनी गाड़ी में टीवीएस राइडर 125 की बाइक में आज हम लोग अपाच जो 160 के 4V आता है उसका हम लोग जो फ्रंट वाइजर है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे ये वाला लगा हुआ है, देखिए इतना अच्छा लग रहा है, इसी को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी राइडर 125 में, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसका वाइजर चाहिए और साथ में जो इसमें जो ये नंबर प्लेट का ब्रैकेट जो आता है वो चाहिए, ठीक है। टीवीएस का ब्रैकेट है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा हो रहा है, तो बेकार ना लगे इसके लिए हम लोग उसको थोड़ा सा काट पीट के छोटा करना पड़ेगा। और ये रहा उसका वाइजर जो कि हम लोग को पड़ा है 225 रुपये का सर्विस सेंटर से। तो दोनों चीज़ें ओरिजिनल है और इसको हम लोग जा रहे हैं अभी इंस्टॉल करने के लिए, चलते हैं इंस्टॉल कराने के लिए, उसके बाद आपसे। इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हमें इसको जैसे कि देखिए अभी ये जो है अभी इसको जब लगाएंगे तो ये बड़ा होगा, ज़्यादा आगे निकल जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से कट करेंगे और कट करके फिर होल करेंगे इसमें और उसके बाद यहाँ से कसेंगे कि ताकि छोटा हो और इस पर वाइजर आराम से बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। अभी हमने इसे खोल लिया है, अब ये देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे इसमें, लेकिन ये बैठ नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कट करना है और उसके बाद दोनों साइड को और थोड़ा सा दोनों को दबा के और इसके बाद इस पर लगा के और इसी के इस नट से कस देना है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग फाइनली इसको इंस्टॉल कर दिए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। अभी डेमो मोड में रखे हैं, अभी ये हिल रहा है, वैसे बैठाया नहीं गया है, अभी इसको देखते हैं कैसा लुक आ रहा है। क्या यहाँ पर ब्रैकेट जो है उसमें वाइजर में वो यहाँ लग जाएगा, ये वाला जो होल है यहाँ पर इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें जाकर ये वाला लॉक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है ये वाला चीज़ इसके लिए हमें यहाँ पर लगाना है, 4V में ऑलरेडी दिया होता है क्लैंप, यहाँ पर नहीं दिया है। इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो वाइजर रेस के साथ आया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर इसको होल्ड करके यहाँ बैठाना है और इसमें जाके ये वाला जो है ये जाके इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे दिखा देते हैं आपको, ऐसे करके जाएगा यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। इसके लिए पहले हमें इसको क्या करना है, शोल्डर से यहाँ पर होल्ड करना है, ठीक है, नाप के। उसके बाद इसको जो है बराबर कर देना है, ठीक है, ताकि इसमें से नट जाए और इसमें भी निकल जाए, दोनों को मजबूती बना रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं आपको। शोल्डर से होल्ड कर दिया जाएगा इसको, तभी हम लोग इसको इस ब्रैकेट को इसमें मोड़ के इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको मैं इसमें और इसमें दोनों को होल करके इसमें नट से कस देंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने इस तरह कर दिया है, जो है वो बन के तैयार हो गई है। और मैं दिखाता हूँ आपको, वाइजर हमारा लग गया है और दोनों ही समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कौन सा 4V है कौन सा राइडर है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लो आप। तो ये रहे हमारी 4V और ये रहा हमारा राइडर 125, ठीक है। दोनों में आपको कुछ डिफरेंस, सिर्फ हेडलाइट का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, बाकी इसमें नंबर प्लेट बाकी है, अभी नंबर प्लेट आजकल में आ जाएगा, देख लीजिए। साइड व्यू भी दिखा देता हूँ आपको, बाकी इतना फिनिशिंग के साथ हम लोगों ने लगाया है इसको कि मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कस्टम इंस्टॉल किया है या फिर ऑलरेडी ये प्री इंस्टॉल आया है। आगे से ही पूरी मजबूती के साथ ये ग्रिप हो गया, देखिए यहाँ पर।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। बहुत जल्द हम लोग नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।